हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चंस एएलपी का जो कि जीएस सेक्शन से है। इससे पहले ऑलरेडी एक सेशन हो चुका है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और जीएस का ओवरव्यू आपको मिल चुका है। तो इस सेशन में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस डिस्कस द जीएस क्वेश्चन, द जीए क्वेश्चंस एंड द करंट अफेयर्स क्वेश्चन। डिविजन में इसको बोर्ड में लिखेंगे ताकि एक एनालिसिस आपको लग जाए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है आगे के सभी एनालिस में, और आगे के जितने लोगों का भी एग्जाम है उसमें क्या करना है। सो वी विल फाइंड दैट आउट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले आपके जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है और है उसको आप प्लीज़ लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, तो जो भी और क्वेश्चंस आपको लगता है उसको आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो पहले शुरू करते हैं वो क्वेश्चन जो मेरे मेल पे आया है, स्पेशली उन बच्चों ने भेजा है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन क्वेश्चंस के साथ पहले स्टार्ट करते हैं और फिर मिसलिनियस जो हमारे क्वेश्चंस हमको मिले हैं चैट बॉक्स पे, जो आप लोगों ने भेजा था लास्ट सेशन में, इस सेशन में आप जो भेजेंगे ये सब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेट मी ओपन माई मेल बॉक्स हियर। उसके बाद पीपीटी भी है कुछ फर्स्ट शिफ्ट का, उसमें भी जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे शुभम रोहेला ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं, पूरे 20 क्वेश्चंस भेजा है उन्होंने जीएस और साइंस से। तो पहले हम उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नंबर वन उन्होंने पूछा है हाउ मेनी एटॉम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ NH4 2SO4। NH4 2SO4 में टोटल कितने आपके एटॉम्स हैं ये उन्होंने यहाँ पे पूछा है पहला क्वेश्चन। तो इसमें आप देखिए बताइए कितने क्वेश्चंस होगा। नाइट्रोजन के 2 प्लस हाइड्रोजन के 4 to the 8 प्लस 1 फॉर सल्फर एंड 1 यहाँ पे 4 फॉर योर ऑक्सीजन। तो टोटल कितना हो गया 8, 9, 10, 14, 15। तो आंसर कितना हो जाएगा 15। अगर 15 आपका ऑप्शन में था देन योर आंसर विल बी 15। नेक्स्ट मोमेंटम से एक क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि पूछा गया था, तो मोमेंटम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। और एक फॉर्मूला ये लगता है कि m1v1 equals to m2v2, यानी कि इनिशियल और फाइनल हमेशा आपका बराबर रहता है। तो अगर एग्जैक्टली किसी को यहाँ पे कोई हमको अगर बता सके कि मोमेंटम से क्या एग्जैक्टली पूछा गया था। अच्छा, साउंड को लेके कोई इशू है क्या? साउंड क्लियर है कि साउंड से कोई प्रॉब्लम है? प्लीज़ राइट डाउन कि साउंड यहाँ पे क्लियर है। कुछ लोग यहाँ पे साउंड लिख रहे हैं, एक बार हम पूछेंगे साउंड क्लियर है यहाँ पे। यस लिख दीजिए अगर क्लियर है तो। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन दैट साउंड इज ओके। शिफ्ट 2 में ध्रुपद योगी का एग्जाम हो गया, वो हमारे साथ अभी क्वेश्चन जरूर। अच्छा, साउंड इज क्लियर, नो प्रॉब्लम, राइट? नहीं, नो इशू, चलो चलो, नो इशूज ऑफ साउंड। चलो, इसका मतलब बाकी सबके लिए यहाँ पे साउंड इज एब्सोल्युटली ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उन्होंने हमें भेजा है कि फॉर्मिक एसिड, तो एंड्स में पाया जाता है आपका फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चंस कहाँ से हो गया? बायो से ये आपका क्वेश्चन हो गया अबाउट फॉर्मिक एसिड। फिर उन्होंने पूछा है कि 1 kWh क्या हो जाएगा, तो 1 kWh इक्वल्स टू हाउ मेनी जूल्स। अब इन यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स जितने लोगों ने पढ़ा था आंसर क्या हो जाएगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिखिए। एक चीज़ हमने आपसे ये भी कहा था फिजिक्स, तो फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको रिवाइज करना है सबसे पहले। सो गुड नंबर ऑफ फिजिक्स क्वेश्चंस एंड दैट टू। बायो के क्वेश्चंस थोड़े इजी थे बट फिजिक्स के क्वेश्चंस थोड़े आपका रिवीजन वो आपका मांगता था। सो आंसर क्या हो जाएगा 3.6 × 10⁻⁶ जूल विल बी द करेक्ट आंसर, है ना? तो आप लोग चैट बॉक्स में लगातार, नो इशू, ठीक है, आप लोग चैट बॉक्स में लगातार लिखिए कि ये आपका बिल्कुल सही है। वीडियो और साउंड थोड़ा सा शायद लैग कर रहा है तो वो नेटवर्क इशू के वजह से हो सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में से उन्होंने लिखा है और यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन आया। तो आगे के चीज़ों में देखिएगा क्वेश्चन जो आ सकता है वो हो सकता है कि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या होगा, रेयरर से डेंसर में जाएगा तो क्या होगा। और एक कंसेप्ट उन्होंने लगाया कि वाटर में अगर आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब कोई लाइट रे डेंसर में जाता है तो उस रे को वो अपने तरफ खींचेगा,
जब कोई रे रेरर में जाएगा तो वो उससे दूर जाएगा, अपने तरफ नहीं खींचेगा. सो इट ड्रिफ्ट्स अवे, इट कम्स नियरर. और कन्वेक्स लेंस को अगर आप वाटर में लगाओगे तो देखो, कॉनकेव मिरर का काम क्या होता है, कॉनकेव मिरर का काम होता है चीज़ों को मैग्नीफाई करना. गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा होता है वो होता है कॉनकेव मिरर. और कॉनकेव मिरर जिस तरीके का काम करता है, कॉन्वेक्स लेंस लगभग उस तरीके का काम करता है. तो फोकल लेंथ यहाँ पे इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा. अगर एग्जाम दिया है तो बताइए ये क्वेश्चन का आंसर में इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से था क्या. अच्छा, 746 जितने लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, 746 वो तो 1 horsepower से अगर आपका क्वेश्चन आया है तब आपका आंसर हो जाएगा 746. अगर ये आपका ठीक है, ओके. अच्छा, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने हमको भेजा है कि हाईली रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किस प्रोसेस से होगा. अगेन ये क्वेश्चन, चलो ये तो फिजिक्स जैसा हो गया. ओके, सो हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव कौन है. एक क्वेश्चन सोडियम से भी आया है. तो सोडियम जो होता है उसको एक तो आप, यू कैन कट इट विथ अ नाइफ, उसमें अगर पानी लग जाएगा वो आग लगा देगा. दैट रिएक्टिव इज योर सोडियम. तो एक्सट्रैक्ट कैसे करोगे, तो इसके एक्सट्रैक्ट के लिए करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना पड़ेगा, तभी सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर पाओगे उसके ओर से. नहीं तो वो रिएक्ट करने लग जाएगा, और रिएक्ट करेगा तो आग ही लग जाएगा. कैसे फिर आगे आपका काम होगा. ठीक है, कुछ लोगों को शायद यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रहा है, तो आप लोग एक बार प्लीज़ इसको रिफ्रेश कर लीजिए. ठीक है, अच्छा अब आते हैं उनके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो उन्होंने भेजा है. दैट इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तो कुछ ऐसे, इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, देयर हैज़ टू बी, से फॉर एग्जाम्पल, अ मेल एंड अ फीमेल, राइट. एंड इन केस ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट्स के केस में मान लीजिए आप कुछ प्लांट्स होते हैं, आपने रोज का नीचे से एक स्टेम को काटा और वहीं से आपका क्या हो गया, रोज और दूसरा रोज का प्लांट आ गया. सो दैट इज़ बेसिकली व्हाट हैपेंस इन दी असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अलग अलग तरीके से आपको फिर ओवम, स्पर्म, गैमेट्स को लाने का ज़रूरत नहीं है, राइट. देन उन्होंने बोला है कि थाइलोफाइटा से एक क्वेश्चन पूछा गया है. तो थाइलोफाइट्स वो होते हैं, प्लांट किंगडम का एक सब डिविजन है जिसमें आपका एक थैलस बॉडी होता है. थैलस नाम कहाँ से आया, थाइलोफाइटा, एक थैलस यानी कि एक झोला जैसा जिसके अंदर वो सीड्स वगैरह अपना भर के रखेंगे. अभी बारिश नहीं है तो वी विल नॉट रिलीज दिस थिंग्स, और जब आपका मौसम सही होगा देन दे विल रिलीज. तो ये आपका, अभी मैं अपना मेल बॉक्स में जा रही हूँ तो अभी मुझे कमेंट्स एज सच नहीं फिलहाल दिख रहा है, उसको करके हम फिर आपके कमेंट्स में वापस से आएंगे. ओके, नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन जो हमें भेजा है, दैट इज़ रिलेशन के बारे में पूछा था कि प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो आपका जो आ जाएगा दैट क्या आ जाएगा, एटॉमिक मास आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने लिखा है, वाटर को किस गैस से क्लीन करेंगे. तो वाटर को हम किस गैस से क्लीन करेंगे, वाटर में हम क्लोरीन से हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं. पीरियोडिक टेबल किस चीज़ पे बेस्ड है, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आया था, ये वो यहाँ पे कह रहे हैं. मास दिया हुआ है 10 kg, स्पीड दिया हुआ है 5 m/s. अब इस केस में स्पीड को 5 m/s से, तो इस केस में वर्क डन क्या होगा, मतलब वर्क डन से एक न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, वर्क डन में आप क्या कर सकते हो, वर्क डन के लिए आप फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब या तो आप फोर्स निकाल लो फिर डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो भी वहाँ पे दिया हुआ है. और फोर्स क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, दैट इज़ बेसिकली द फोर्स. या फिर एफ एस कॉस थीटा भी लगा सकते हो, अगर उसमें एफ एस कॉस थीटा के हिसाब से दिया हुआ है. सर्च लाइट में कौन सा मिरर होगा, सर्च लाइट में क्या चाहते हो, चीज़ें बड़े देखना चाहते हो तभी सर्च कर पाओगे, तो सर्च लाइट में कौन सा मिरर यूज़ करोगे, कॉनकेव मिरर यूज़ करोगे, तभी वो आपको बड़ा दिखाई देगा. इंडियन ओलंपिक, अच्छा ये हमारे पास PPT में है ऑलरेडी, 3 books and author रिलेटेड क्वेश्चन वो कह रहे हैं. एक हम लोग को पता है नरेंद्र मोदी जी का बुक पूछा गया है, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 2 और क्वेश्चन इसी से आपको पूछा था, बुक्स एंड ऑथर सेक्शन से. फेब्रुअरी का करंट अफेयर्स पूछा गया है, 2 से 3 questions. अलाहाबाद बैंक के CEO और MD के बारे में पूछा गया है, रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है, और इसके अलावा ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा गया, और लास्ट में सेप्रोफाइट क्या है ये पूछा गया है. तो उन्होंने हमें ये सारे क्वेश्चंस भेजे हैं. इसके अलावा हम जो PPT में लेके आए हैं वहाँ है आशीष कुमार दास और
यहाँ पे अनुभव कंसल और संदीप ने हमें क्वेश्चंस भेजा है, शिवम राजपूत ने भी कुछ क्वेश्चंस भेजा है। तो अब हम आते हैं पीपीटीज पे। अब आपके कमेंट्स भी हमको दिख रहा है, तो आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप भी उसको बिल्कुल शेयर कीजिए, ठीक है। अब चलिए पीपीटी में आ जाते हैं। चलिए, सो लेट अस कम टू पीपीटी नाउ। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हु इज द ओनर ऑफ KKR टीम इन IPL 2018। IPL 2018 KKR जो आपका टीम था शाहरुख खान के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स बेसिकली फेमस है, बट उसके साथ और कौन कौन थे? शाहरुख खान, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, जूही चावला और जय मेहता। सो ऑल ऑफ दीज, तो इसमें से जो आपका ऑप्शन था। रानी बैनर्जी पॉन्सिल इज अ काइंड ऑफ बेसिकली स्पाइरोगायरा, जो एक एल्गे है जिसे आसमान में, स्पेस में जो आप एल्गे लेके जाते हैं खाते हैं, उसको ग्रीन कलर का जो बॉडी है दैट इज बेसिकली और वहाँ पे होता है। अच्छा, करंट अफेयर्स पास्ट 6 मंथ्स के पूछे गए और फेब्रुवरी मार्च अप्रैल से, ठीक है। शाहरुख खान ऑप्शन में था, सब लोग कह रहे हैं। अच्छा, तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और लगाया है फर्स्ट क्वेश्चन में कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है KKR का। अगर ये पूछा गया होता या पूछा जाए नेक्स्ट किसी शिफ्ट में, तो रेड चिलीज एंटरटेनमेंट इज बेसिकली द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है आगे के सेशन में भी, या फिर ये पूछा जा सकता है कि एम करुणानिधि वो कौन से पार्टी से थे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? DMK। फिर पूछा जाए वो कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। फिर पूछा जाए कितने एज पे इनका डेथ हुआ है, एट द एज ऑफ 94। ये तीन क्वेश्चन बन सकता है। फिलहाल कौन है, हु इज द करंट, साधना गुप्ता, पिलानी स्वामी, बिल्कुल सही, दैट इज अभी के लिए आपका यद्यपि के पिनाले स्वामी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हु इज द चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अलाहाबाद नेशनल बैंक। तो यहाँ पे अलाहाबाद सिर्फ क्वेश्चन हमको मिला था, तो ये एज इट इज आ गया। तो अलाहाबाद बैंक का आंसर क्या हो जाएगा? उषा अनंत स्वामी। क्यों इनका नाम यहाँ पे आया है? बिकॉज ऑफ द नीरव मोदी केस एंड बिकॉज ऑफ द PNB, क्योंकि ये जो है ये पहले आप पहले कहाँ पे थे? PNB में थे, और उस वक्त यहाँ पे नीरव मोदी का जो आपका पूरा घोटाला हुआ था, एंड आफ्टर दैट शी बिकेम द CEO ऑफ अलाहाबाद बैंक। फिर एक साल उन्होंने उस पोस्ट में काम किया, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया कि आपसे सभी एग्जीक्यूटिव पावर छीन लिया जाए, क्योंकि उस PNB वाले केस में आपने ज़रूर कुछ इधर उधर किया होगा, तो ऐसा गवर्नमेंट ने उनसे एग्जीक्यूटिव पावर छीन लिया है, ठीक है। तो ये आपका इधर आंसर हो जाएगा। अगेन लेट मी टेल यू, सारे बैंक्स के CEO और MD का लिस्ट याद करना आपको इतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था इसीलिए पूछा गया है। नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ एग्जाम वॉरियर रिलीज बाई PM नरेंद्र मोदी रिसेंटली। रिलीज भी उन्होंने किया था, ऑथर भी वही थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? PM नरेंद्र मोदी। रामकृष्ण मिशन किसने फाइंड किया था, ये क्वेश्चन था। तो फाउंडर कौन थे? स्वामी विवेकानंद। इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अमरिंदर सिंह के बारे में भी कुछ, ग्रुप डी का अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब इसका एग्ज़ाम आपका। कैपिटल से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी एशिया के आसपास का, है ना। अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक। क्या क्वेश्चन है और क्या पूछा जा सकता है? बेसिकली ये प्रेसिडेंट यहाँ पे होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। IOC प्रेसिडेंट जो है, जिनका नाम है थॉमस बच, तो उनका नाम बच जाओ तुम ओलंपिक से, ठीक है। तो थॉमस, दिस पर्सन इज बेसिकली जो आपका IOC के ओवरऑल है, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। तो वो वहाँ से आए इंडिया में, और इनसे वो है आपका इंटरनेशनली IOC का। अब वहाँ से वो आए और उन्होंने मीटिंग कंडक्ट किया, किसके साथ? नरेंद्र बत्रा के साथ। तो नरेंद्र मोदी आप सभी लोगों को याद है, तो एक नाम और यहाँ पे क्या है? नरेंद्र बत्रा। अ क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली, क्योंकि आप शायद से, प्रेसिडेंट कौन है इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन का, ऐसा क्वेश्चन शायद पहली बार आया है करंट अफेयर्स में से, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा?
नरेंद्र बत्रा. नेक्स्ट 2020 में कहाँ होगा? टोक्यो में. क्योंकि बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी पूछे गए इसलिए ये एक क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ का, ये आपको यहाँ पे पूछा गया. तो आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? गवर्नर बलराम दास टंडन और चीफ मिनिस्टर रमन सिंह. आपको पता है कि यहाँ पे अभी आज के दिन में भी, टुडे ऑल्सो, यहाँ पे आपका माओइस्ट अटैक हुआ. और अगेन आप याद कीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और माओइस्ट के बीच फिर से क्लेश हुआ था और यहाँ पे फिर से कुछ लोग मारे गए. दोनों हमारे ही देश के लोग हैं, है ना. भले ही हम मानते हैं वो भटक गए, वो नहीं मानते वो भटक गए, तो जो भी रीज़न है, इसीलिए छत्तीसगढ़ से ये क्वेश्चन आपको पूछा गया. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अच्छा, मनीष का भी यहाँ पे एग्ज़ाम हो गया, सही हो गया आंसर्स, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड इज़ हु गॉट फर्स्ट भारत रत्न इन इंडिया. सबसे पहला भारत रत्न भारत में किसे मिला है? तो आपके ऑप्शंस में जो भी रहा हो, 1954 में सी राजगोपालाचारी. फील्ड क्या है इनका? पॉलिटिशियन, बेसिकली वो फील्ड है. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. फील्ड क्या है बताइए आप लोग. सी वी रमन, वेरी फेमस. फील्ड क्या है बताइएगा. तो इनके फील्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है. तो भारत रत्न सबसे पहले इन तीन व्यक्ति को मिला था फ्रॉम इंडिया. और सबसे पहली बार हमने कब इसको स्टार्ट किया था अवार्ड देना? 1954 में सबसे पहले हमने भारत रत्न स्टार्ट किया था. क्यों पूछा गया? क्योंकि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन केस ऑफ इंडिया. देखिए, साइंटिस्ट को भी मिल सकता है, टीचर को भी मिल सकता है और पॉलिटिशियन को भी मिल सकता है, ठीक है. प्लस किसी नेशनलिस्ट, आप मान लीजिए कि जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल में इन्वॉल्व हो, उनको भी मिल सकता है. तो इसीलिए पूछा गया. सभी बच्चे लिख रहे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्ण, तो शायद से ऑप्शन में आपका ये रहे होंगे, ठीक है. तो बेसिकली टीचर. और कौन सा डे हम सेलिब्रेट करते? टीचर्स डे, इनके बर्थडे पे सेलिब्रेट करते. हु इज़ द एडवाइज़र ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में मिला, जो बच्चे से मिला. अब एडवाइज़र के केस में दो तीन चीज़ें हो सकता है. नंबर वन, वो आपको साइंटिफिक एडवाइज़र पूछ सकते हैं. सभी लोगों को इकोनॉमिक एडवाइज़र के बारे में पता है और सभी लोगों को लीगल एडवाइज़र के बारे में पता है. अभी रीसेंट अपॉइंटमेंट जो है मई 2018 के महीने में, वो अपॉइंटमेंट है विजय राघवन का. तो अभी आने वाले पेपर में आप हो सकता है विजय राघवन का नाम देखे. तो ये कौन है? ये साइंटिफिक एडवाइज़र है, ठीक है. भारत के साइंटिफिक एडवाइज़र है, साइंस से रिलेटेड एडवाइजर्स ये आपके यहाँ पे देंगे, ठीक है. नेक्स्ट देखिए, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अगर आपको पूछा जाए तो अरविंद सुब्रमण्यम थे. अभी उन्होंने कहा कि मुझे रिज़ाइन करना है, मुझे भी यूएस जाना है जैसे कि बाकी लोग जा रहे हैं, ठीक है. तो ये आपका पूछा जा सकता है कि अरविंद सुब्रमण्यम भारत में कौन से पोजीशन को छोड़ के यूएस गए हैं. तो कौन से पोजीशन को? चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के पोजीशन को. नेक्स्ट, लीगल एडवाइज़र के बारे में, यानी कि क्या कौन सा पोस्ट है पॉलिटी के अंदर, पॉलिटी से क्वेश्चन आया कि नहीं, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आप इसको मान सकते हो. पर आप ये देखो, लीगल एडवाइज़र अगर पूछा जाए, बताइए कौन सा पोस्ट है. एक जिसके पास पर्स होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का पोस्ट, और दूसरा जो पैसा देखता है, ठीक है. और एक पोस्ट ये भी है जो हर एक कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जाके बैठ सकता है, पार्लियामेंट के अंदर भी जाके बैठ सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है. वो पोस्ट, एनीबडी हु विल राइट द नेम ऑफ द पोस्ट. आंसर क्या होगा यहाँ पे? के वेणुगोपाल. वो कौन है, कौन से पोस्ट के लिए? लीगल एडवाइज़र के लिए है, ठीक है. अच्छा, अब आया है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ हीराकुंड डैम कौन से नदी पे बना हुआ है, कौन से स्टेट पे बना हुआ है? अटॉर्नी जनरल भुवन सिंह, बिल्कुल सही. ये पोस्ट किसका है? ये पोस्ट है अटॉर्नी जनरल का. अरे एक दो लाइक भी कर दो, इट मेक्स मी हैप्पी. थोड़ा सा तकलीफ होगा, माउस के एरो को लाइक तक लेके जाना पड़ेगा, बट कर दो, है ना. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हीराकुंड डैम कहाँ पे है? ये है आपका महानदी में. इंडिया का वन ऑफ दी लॉन्गेस्ट डैम है ये, जो महानदी नदी में है. और आपका बेसिकली डोमिनेट जहाँ पे करता है, दैट इज़ ओडिशा में, ठीक है. क्योंकि ओडिशा, महानदी जो है वो ओडिशा का सबसे लार्जेस्ट रिवर आपका यहाँ पे है, ठीक. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए पूछा गया है. तो ऑप्शंस में क्या था? अगर फोर्स था तो फोर्स होगा, अगर फोर्स नहीं था तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा? इन दैट केस योर आंसर विल बी योर इम्पल्स. पर अगर फोर्स था तो आंसर विल बी फोर्स. तो इसका ध्यान रखिएगा. क्या आप मुझे एक बार बता सकते हैं कि आंसर यहाँ पे ऑप्शंस में क्या था? इफ़ यू कैन टेल मी वंस.
फोर्स, फोर्स था ऑप्शन में, ठीक है फोर्स था, तो फिर आंसर आपका इधर फोर्स हो जाएगा। इंडिया में हम एसी मेंस के लिए कितना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कितना जल्द ये सब वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में जो हम यूज़ करते हैं वो है 50 हर्ट्स, बाहर जो हम यूज़ करते हैं यूएस में दैट इज़ योर 60 हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। देखिए एक होता है आपका स्पीड, दूसरा होता है आपका एक्सीलरेशन, सॉरी दूसरा होता है आपका वेलोसिटी, ठीक है। डिफरेंस क्या है, जिस तरीके से डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस यहाँ से वहाँ तक का, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। बट वेलोसिटी भी तो चेंज हो सकता है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी भी चेंज हो सकता है, सो दैट इज़ योर डी वी बाई डी टी, दैट इज़ योर वेलोसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज़ योर एक्सीलरेशन, दैट इज़ द डी वी बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन। दूसरा ऑप्शन के हिसाब से देखना था, अगर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन था तो फिर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, ये हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना था, वेलोसिटी पर सेकेंड, बिल्कुल सही वेलोसिटी पर सेकेंड। अच्छा एक बार, चलो इधर स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, तो फोर्स अपॉन मास, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना, वो आपका हो सकता है, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है, इसको तो हम बहुत बार कर चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में से, तो ये तो सभी लोग बोल सकते हैं, कौन है जो सबसे पहले बताएगा। सुनील सिंह बिल्कुल सही, अगर v माइनस यू बाई टी दिया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, वो भी सही है। जूल्स मोहन कुमार ने लिखा है, जूल्स आदित्य कुमार ने लिखा है जूल्स, तो ये लगभग सभी लोगों को पता है कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो जूल हो जाएगा, दैट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, कल के क्लास में जितने लोगों ने देखा था, ठीक 4 बजे जो कल का क्लास हुआ था उसमें हमने आपको कहा था अबाउट दी ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के बारे में कहा था, V इक्वल्स टू आई आर आपको बताया था। अब इसमें से आपको क्या देखना है कि पूछा है रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए ओम मीटर, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिफरेंट है, व्हाट इज रेजिस्टिविटी, यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया, इस केस में वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा। एंड आई फील कि अगर ये पूछा है तो ये भी आने वाले सेशंस में पूछा जा सकता है। आंसर क्या होगा, ओम होगा कि ओम मीटर होगा, व्हाट विल बी द आंसर, और सिंबल इसका क्या होगा, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन, वर्क डन पे एक आपको न्यूमेरिकल पूछा गया है, सो वर्क डन इक्वल्स टू, अगर फोर्स लगा रही हूँ डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ तो वर्क डन इक्वल्स टू जीरो, अगर ये बोला कि कूली है जो आपका सिर पे कुछ लेके चल रहा है उस केस में वर्क डन क्या होगा, तो उस केस में वर्क डन आपका हो जाएगा जीरो, ठीक है, तो उस केस में आपका वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो विल बी द केस इन इन, अगर एक कूली कितना भी भारी वजन अगर वो अपने सिर पे धोके लेके जा रहा है देन इट विल बी योर जीरो इन दैट केस, ठीक। चलो अब आते हैं यहाँ पे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आपका इट इज ओनली ओम, आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ओम, ठीक है, अगर इसमें हाँ इट विल बी ओनली ओम, बिल्कुल सही, इट विल बी ओनली ओम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन, तो यहाँ पे या तो एफ एस कॉस थीटा लगाना था, अगर यहाँ पे एंगल से कोई वेथ नीचे आ रहा है तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा लगाना था, नहीं तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट सिंपल यहाँ पे लगाना था। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा, एनीबडी हु कैन राइट डाउन, एन ए टू एच एस ओ फोर, बिल्कुल सही, अच्छा Na2CO3, बिल्कुल सही, ओके, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, बाई कार्बोनेट, ठीक है, अभी लास्ट वाले उसमें ही बताया था। अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हु डिस्कवर्ड DDT, अब DDT होता क्या है, बेसिकली आपका कीटनाशक की तरह आप DDT को यूज़ कर सकते हो, इसके वजह से क्या होता है, वल्चर्स का जो स्पीसीज़ है उस पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था और कुछ
वल्चर्स जो है इसके वजह से मर गए थे बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ डीडीटी. उन्होंने गलती से डीडीटी को खा लिया था. तो इसको किसने डिस्कवर किया था? एक ऐसा मैन जो हर मैन में नहीं है. हर मैन में जो है वो हर हर महादेव है ना, बट एक ऐसा मैन जो हर मैन में नहीं है. सो द आंसर इज योर पॉल हर मैन. पॉल हर मैन ने इसको डिस्कवर किया था. और जैसे मैक्स म्यूलर है वैसे इनके नाम के लास्ट में भी म्यूलर है. तो डिस्कवरी में से थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया. केमिकल फॉर्मूला के ऊपर दो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, ओके. और इसके बाद फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ विच मटेरियल. फ्यूज वायर बेसिकली आपका वो मटेरियल होगा जो बहुत ही कम तापमान से आपका पिघल जाएगा, ठीक है. दैट इज योर, देखो अगर कहीं भी बाइकार्बोनेट होगा देन लेट मी टेल यू इट इज HCO3-. बस अब सोडियम बाइकार्बोनेट का इससे निकाल लेना. सोडियम के लिए क्या होगा? Na होगा, ठीक है. और बाइकार्बोनेट होगा तो HCO3- होगा. तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा ये आपने लिखना है. अच्छा, फ्यूज़ वायर क्या होगा? बहुत ही, अगर मान लो एक सर्किट है कोई भी, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ये एक आपका सर्किट है. टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, आयरन है, प्रेस है आप यूज़ कर रहे हो, प्रेस बहुत ज़्यादा गर्म होगा, कपड़ा जल जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लगाओ? फ्यूज़ वायर. कम मेल्टिंग पॉइंट में सर्किट ब्रेक डाउन हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ करंट रुक जाएगा, एंड देन योर इट जॉब विल बी डन. अगर यहाँ पे आपके ऑप्शंस में टिन है या फिर कॉपर है, क्या ऑप्शन में था इसके ऊपर आपका डिपेंड करता है. लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यहाँ पे होना पड़ेगा. टिन एंड लिड सही, कॉपर है तो वो भी सही. तो बहुत लोग लिख रहे हैं यहाँ पे टिन लिड था, तो टिन लिड है, तो टिन एंड. रितेश सरकार कहाँ से कैसे कनेक्टेड है ये पूछा जाए तो सीरीज से कनेक्टेड है, ये आपका आंसर होगा. नाइक्रोम टंगस्टन, बिल्कुल आने वाले एग्जाम्स में नाइक्रोम और टंगस्टन के बारे में पूछा जा सकता है. तो टंगस्टन जो है उसको आप यूज़ करोगे बल्ब में. अदरवाइज बल्ब में क्या होता है? वैक्यूम होता है. इस वैक्यूम के वजह से बल्ब जब फटता है आसपास का सभी एयर इसके अंदर बोलता है कि खाली है, चलो मैं जाके घर बना लेता हूँ. दैट इज़ वाई देर इज़ अ क्रैकिंग साउंड जब बल्ब फटता है. नाइक्रोम कहाँ पे यूज़ होता है? एनीबडी, मैंने बताया था ये सब क्वेश्चंस क्लास में बताए हुए हैं. नाइक्रोम का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे? जहाँ हीटिंग एलिमेंट कुछ भी होगा वहाँ पे नाइक्रोम होगा. सो बिल्कुल सही, रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे कम होगा, सीरीज़ में हम इसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड इंसुलिन? अभी डायबिटीज़ जो है इट इज़ अ रिच मैन डिजीज़, हर कोई तो आपका एफोर्ड ही नहीं कर सकता है डायबिटीज़. अगर अच्छा अच्छा खाओगे तभी डायबिटीज़ होगा, नहीं खाओगे तभी भी कुछ लोगों को डायबिटीज़ है ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट स्टिल इट इज़ नोन एज अ लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर एंड नॉट अ डिजीज़ बेसिकली. और इसका डिस्कवरी बेंटिंग ने किया था. बेंटिक ने नहीं, बेंटिंग ने इसको किया था. सो द पर्सन इज फ्रेडरिक, फ्रेडरिक बेंट. इसमें क्या है? बैट का बेंट लगा हुआ है. फ्रेडरिक बेंटिंग ने इसका डिस्कवरी किया था. अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. ओवन में यूज़ कर सकते हो, इलेक्ट्रिक हीटर में यूज़ कर सकते हो. CFL में आपका बेसिकली एक दैट इज़ एन एलिमेंट, ठीक है. क्या हमारे पास और कोई स्लाइड है कंप्यूटर जी? कोई स्लाइड है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच मिरर इज यूज इन टॉर्च. अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है. विच क्वेश्चन इज, विच मिरर इज यूज इन टॉर्च. तो टॉर्च का जो मिरर होता है बेसिकली ये क्या होगा? टॉर्च में आपको मिरर में जूम इन करके देखना है. बड़े देखने के लिए आप कॉनकेव यूज़ करोगे कि कॉन्वेक्स? सभी लोग बताइए. डॉक्टर का, डेंटिस्ट का मिरर, डॉक्टर का मिरर, ENT का मिरर, ठीक है, इन सब के लिए आप क्या यूज़ करोगे? ठीक है, अच्छा कुछ लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, ऑल दोज पीपल हु आर राइटिंग दैट इट इज़ योर कॉनकेव मिरर, इन सभी केस में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा कार के केस में. कार के जो सामने के मिरर्स होते हैं वो होते हैं कॉनकेव मिरर, जो हेडलाइट के मिरर्स होते हैं. और दाएँ बाएँ जो ये पीछे वाले देखने वाले जो होते हैं, रियर व्यू मिरर जो होते हैं वो होते हैं कॉन्वेक्स मिरर. याद रखिएगा, सामने के देखने के लिए हेडलाइट के लिए कॉनकेव होता है और पीछे का चीज़ें देखने के लिए आपका कॉन्वेक्स होता है. तो यहाँ टॉर्च के सामने आपको ज़्यादा ज़ोर से देखना है चीज़ें, सो इट विल बी द सेम थिंग, है ना. इसीलिए आपका कॉनकेव होगा और कॉन्वेक्स नहीं होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ पे एक न्यूमेरिकल बेसिकली अभी जो इन्होंने भेजा था ना, दैट पर्सन फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन ये था कि फोकल लेंथ इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा अगर कॉन्वेक्स लेंस को मैंने वाटर में डाला, तो फोकल लेंथ इस केस में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज लाइक कॉन्केव मिरर, चलो इसके नीचे बनाते हैं, कॉन्केव मिरर इज लाइक कॉन्वेक्स लेंस एंड वाइसी वर्सा, तो इससे चीज़ें बड़ी दिखाई देंगी. इसको पानी में डाला यानी कि पानी क्या है और डेंस है और डेंसर मीडियम में, तो फोकल लेंथ क्या है, इंक्रीज हो गया है. ठीक है, नेक्स्ट इज वन क्वेश्चन ऑन फाइलम, ऑलरेडी बताया ना इसके थैलस बॉडी जो है आपका थैलोफाइटा, उससे एक क्वेश्चन आपको पूछा गया. तो उनका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थैलस के अंदर वो चीज़ों को तब तक बनाए रखते हैं जब तक अल्टीमेट नहीं आपका मौसम है कि हम क्या करें, वी आर रेडी टू यू नो रिलीज द थिंग. हु इन्वेंटेड वैक्सीन फॉर काउपॉक्स, एडवर्ड जेनर का नाम सभी लोगों को पता होगा बिकॉज ही इज़ द पर्सन, एडवर्ड जेनर अपने ही बच्चे को उन्होंने ये वैक्सीन लगा दिया था क्योंकि एनी हाउ ही सफर्ड फ्रॉम चिकन पॉक्स, तो मर जाएंगे, तो इसीलिए दैट इज़ वाई ही डिड दिस एक्सपेरिमेंट एंड दिस एक्सपेरिमेंट इट वर्कड आउट राइट. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वन क्वेश्चन फ्रॉम टेंडन, तो टेंडन बेसिकली क्या है, ये जो हमारे पास हड्डियाँ है, मसल्स है ना, और जो हमारे पास बोन है, तो ये मसल्स इन बोन्स से चिपका हुआ कैसे है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेंडन्स. सो टेंडन्स आर यू कैन से कार्टिलेजियस टिश्यू दैट कनेक्ट योर, ये बेसिकली एक टिश्यू है, क्या है ये टिश्यू है, अगर पूछा जाए सेल है कि टिश्यू है, दे आर टिश्यू. कनेक्ट क्या करता है, वो बोन को कनेक्ट करता है, किससे कनेक्ट करता है, मसल से कनेक्ट करता है. सो अगेन बायो से कंपेरेटिवली ईजी क्वेश्चन आपको पूछा गया, वही डिस्कवरीज में भी पूछा जाए तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछा गया. अब आते हैं सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए सेकेंड शिफ्ट में. क्या और कोई पीपीटी है हमारे पास, नहीं है, तो अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है सेकेंड शिफ्ट से. अच्छा, चीटी में कौन सा अल्म पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, चीटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अच्छा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑलरेडी हम कर चुके हैं, पी इक्वल्स टू एम वी, मोमेंटम का फॉर्मूला, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पूछा जाए तो फिर क्या हो जाएगा, एम वी, इसको हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. चलिए जितना हो सके जहाँ जहाँ से हमको क्वेश्चन मिल रहा है सब क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, द नेक्स्ट इज क्या है आपका, अच्छा लास्ट स्लाइड पर आते, एक और क्वेश्चन रह गया. द नेक्स्ट इज इन एसी कौन सा हम फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं, तो हम लोग 50 हर्ट्ज एसी में यूज़ करते हैं. वोल्टेज इंडिया के केस में 220 वोल्ट होता है, 50 हर्ट्ज हम यूज़ करते हैं, और फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं. ठीक है, सो टू मेजर और टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि घरों में क्या यूज़ होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, अप डाउन, डायरेक्ट करंट होता तो शॉक लग जाता लोगों को, है ना. सो इन दी हाउस होल्ड पर्पसेज फॉर इंडिया वी यूज़ बेसिकली योर ऑल्टरनेटिंग करंट. वॉट इज़ यूज टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, सोनोमीटर, सोनोमीटर इज यूज टू मेजर दी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, अ डेंजरस प्रोसेस दो. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. वॉट इज़ दी एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, जूल है, और डिस्कवरी के पीछे किनका नाम है, जेम्स प्रेस्कॉट जूल. What is the name of the person? James Prescott Joule. यहाँ से आया ये जूल, अगर नेक्स्ट किसी एग्जाम में पूछा जाए. ठीक है, द नेक्स्ट इज़ योर एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ओम, रेजिस्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा, ओम मीटर. अभी अभी मैंने आपको कहा था बोथ आर डिफरेंस, तो रेजिस्टेंस के लिए ओम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के लिए ओम मीटर हो जाएगा. नेक्स्ट एग्जाम में रेजिस्टिविटी पूछे तो ओम मीटर पर टिक कीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अच्छा, द नेक्स्ट इज अगेन अ न्यूमेरिकल ऑन वर्क डन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला. आई टोल्ड यू HCO3 कहीं भी है, दैट इज़ द बेस का, दैट इज़ द आयन, और उसको Na के साथ लगाओगे तो ऑब्वियसली इट इज़ NaHCO3. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. हु डिस्कवर DDT? DDT का डिस्कवरी किसने किया था, बेसिकली वर्ल्ड वार टू के समय में मलेरिया और टाइफस से बचने के लिए इसका यूज़ किया जाता था. Presently it is used as an insecticides, लेकिन vultures इससे मर गए बहुत सारे, which is a very sad thing. और
अगेन डिस्कवरी के पीछे किसका नाम है, द नेम इज पॉल हरमन म्यूलर, एंड फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ योर बेसिकली टिन एंड लेड. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अच्छा, तो ये और कोई क्वेश्चन है, ये हम कर चुके ऑलरेडी. ठीक है, और कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज कंप्यूटर जी, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चले. और कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्वेश्चन आया है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हम कितने खुश है. टोटल 156 कंट्रीज का रैंकिंग लिया गया था, जिसमें से इंडिया का रैंक आया है 133. ये क्वेश्चन आपको हैप्पीनेस इंडेक्स से पूछा गया है. पॉन्ड सिल्क क्या है, ये पूछा गया है. पॉन्ड सिल्क एक एल्गी है, इट इज़ एन एल्गी, ये एक एल्गी है, और इसका नाम क्या है, स्पाइरोगायरा है, जिसको आप स्पेस में खाने के रूप में यूज करते हो. ठीक है, स्पाइरोगायरा स्पेस में खाने के रूप में यूज करते हो. लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम पूछा गया है, प्लांट किंगडम से थैलोफाइटा पूछा गया है, एनिमल किंगडम से आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, जिनमें क्रैब्स आता है, जो जिनके आपके आठ पैर होते हैं, जिसको कुछ लोग खाते भी है, स्पाइडर्स जिनके आठ पैर होते हैं, माइट्स, इंसेक्ट्स, ये सब लोग किस में आते हैं, एंथ्रोपोडा में आते हैं. तो इंसेक्ट्स हर जगह है, और ये इंसेक्ट्स का जो आपका फाइलम है वो है आपका एंथ्रोपोडा. अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ पे होता है ये आपको पूछा गया है. तो स्टमक में होता है, डियोडनम में होता है, पेनक्रियस में होता है. अगर सिर्फ इतना पता करना था तो स्टमक में टिक करना था. स्टमक में जो होता है दैट इज़ बेसिकली योर पेप्सिन, जो स्टमक के अंदर इस प्रोटीन के, पी फॉर पेप्सी, खाना खाने के बाद पेप्सी पी लो, दैट इज़ व्हाट आई टोल्ड यू. अगर आपको याद होगा, अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं, तो पेप्सिन ने स्टमक में इसको डाइजेस्ट किया है. पेनक्रियस के अंदर किसने डाइजेस्ट किया है, ट्राइप्सिन ने पेनक्रियस के अंदर इसको डाइजेस्ट किया है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अच्छा, सो दीज आर दी क्वेश्चंस, इसको हम लोग ऑलरेडी अभी कर चुके हैं. एक्चुअली अलग अलग बच्चों ने अलग अलग क्वेश्चंस भेजा था, तो हमने सबके क्वेश्चंस को डाल दिए. नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं. अच्छा, नेक्स्ट इज फ्यूज वायर इज मेड ऑफ विच मटेरियल, इसको कर चुके हैं. प्रॉब्लम रिलेटेड टू ट्रेन इन मैथ्स, एक क्वेश्चन मैथ्स में ट्रेन से रिलेटेड आया था. प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, मलेशिया का कैपिटल कौला लामपुर होगा कि क्या होगा, व्हाट विल बी द कैपिटल ऑफ मलेशिया. बिगेस्ट फाइलम कौन सा है, ये एक बच्चे ने लिखा है, तो अगेन एंथ्रोपोडा, यूनिट ऑफ पावर. नोबल लिटरेचर में आपका नोबल किसे मिला, ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है. ये आपका शायद से 9th August क्वेश्चंस दैट आई रिमेंबर, अमरजीत यादव ने अभी हमको क्वेश्चंस भेजा है, जस्ट नाउ अभी उनका मेल आया है हमारे पास. चलिए, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा दैट इज़ करुओ, दैट इज़ द करेक्ट आंसर, इसली गुरो, दैट इज़ द फॉर योर नोबल प्राइज़, ये आपका ऑप्शन में था, ऐसा इन्होंने लिखा है. और ये बाकी जो क्वेश्चन है वो अभी सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन है, तो उसको अभी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. अगेन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और क्या नए क्वेश्चन से देखते हैं. अच्छा, इसमें ऑप्शंस कुछ दिए हुए थे. ब्लीचिंग पाउडर कौन से वाटर में डिजोल्व होगा, तो कोल्ड वाटर में डिजोल्व होगा. ब्लड प्रेशर के ऊपर एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन था. प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री का शपथ प्रेसिडेंट दिलाता है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया था. ठीक है, अगेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसका शपथ दिलाता है, ये क्वेश्चन हो सकता था, तो प्रेसिडेंट का शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है, तो अब हम आते हैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर के एनालिसिस पे, और यहाँ पे एक बार हम अभी फुल स्क्रीन पे आ जाते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि हेलीकॉप्टर के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर स्काई पे उड़ता है, सो द आंसर विल बी शिकोर्स्की. एग्जाम के लिए हमेशा के लिए याद रखिएगा, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है, लास्ट में स्काई लगा हुआ है. नेक्स्ट इज हु इज़ द गवर्नर ऑफ सिक्किम. एवरी टाइम आई टेल यू कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही आपका इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स देख के जाने के लिए. सो नॉर्थ ईस्ट से, सिक्किम से पूछा गया, श्री निवासन पटेल इज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन. नेक्स्ट आपका यूनिट से पूछा गया कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होगा, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए हो जाएगा कैंडेला. ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, कैंडेला विल बी द करेक्ट आंसर. शिरोस्काई, अच्छा
पवन चैमलिंग किसका आंसर होगा? ठीक है, अभी सेकेंड शिफ्ट के आंसर्स को हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं. ठीक है, सेवन सिस्टर्स, तेजस, एग्जैक्टली करेक्ट, प्लस दी वन प्लस दैट इज योर सिक्किम इज दी ब्रदर, ओनली ब्रदर ऑफ दी सेवन सिस्टर्स एंड दी रेस्ट आर दी सेवन सिस्टर्स. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज यहाँ पे जो पूछा गया है, मेटल कैन बी पुट इन केरोसिन ऑयल. कौन सा मेटल है जिसे हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे? तो सोडियम में पानी लगने से आग लग जाएगा, तो सोडियम को हम केरोसिन ऑयल में रखेंगे ठंडा करके रखने के लिए, नहीं तो मॉइस्चर इसमें लग जाएगा. वुमेन जो है वो कौन से डिजीज़ से सफ़र कर सकती है? वुमेन को कौन सा डिजीज़ हो सकता है? तो वुमेन को एनीमिया हो सकता है, क्योंकि खून की कमी के वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी के वजह से वुमेन को एनीमिया यहाँ पर हो सकता है. ओके, सोडियम के लिए Na, ये भी कुछ लोग पूछ रहे हैं. चीफ मिनिस्टर, कुछ लोग बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर पूछा गया था, चीफ मिनिस्टर पूछा गया था, तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाएगा और आपका चैमलिंग, स्माइलिंग पर्सन, दैट विल बी दी करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. फ्यूज आर कनेक्टेड इन, कैसे कनेक्ट करते हैं फ्यूज़ वायर को? तो सीरीज में हम फ्यूज़ वायर को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि इंडिया और सीशल्स के बेस बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था? ये पूछा गया है कि इंडिया और सीशल्स के बीच में कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था, तो नाम बताइए इंडिया और सीशल्स के बीच का मिलिट्री एक्सरसाइज का, तो नाम क्या हो जाएगा? लेमी लेमिटिक्स आई बिलीव इज अ डिफरेंट थिंग. लेमिटिक्स और लेमाइट एक आपका अच्छा, लेमाइट इज डिफरेंट एंड लेमिटिक्स इज डिफरेंट. ठीक है, लेमाइट इज बेसिकली लैटिन अमेरिका का वन ऑफ द इवेंट इज योर लेमाइट. ठीक है, तो लैटिन अमेरिका का वन ऑफ द इवेंट इज योर लेमाइट. ठीक है, ओके, चलो अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, दैट इज वसुंधरा राजे. वसुंधरा राजे के ऊपर एक यहाँ पे आपका क्वेश्चंस पूछा गया है. अगेन, जितने लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एग्जैक्टली व्हाट वाज द क्वेश्चन? एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था? एजम्पशन आइलैंड्स. अच्छा, एजम्पशन आइलैंड्स पे इंडिया का आपका वीट, हमारा एक बेस होगा वहाँ पे आर्मी का, ये हमने वहाँ पे ओपन करने का कोशिश किया था, लोकल लोगों ने रेजिस्ट किया, सो इट कुड नॉट बी डन वहाँ पे. ठीक है, अरे सेशन अगर थोड़ा बहुत लाइक कर दो, बिकॉज मोटिवेशन चाहिए हमको भी. सर्चिंग लाइट ऑलरेडी हो चुका है ना, उसमें आप क्या यूज़ करोगे? कॉनकेव यूज़ करोगे. राजस्थान चीफ मिनिस्टर के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये पीपल आर सेइंग, तो वसुंधरा राजे जो है वो है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. ठीक है, वो किसकी डॉटर है? ये कुछ लोग बोल रहे हैं पूछा गया था विजय राजे सिंधिया की, आपका यहाँ पे बेसिकली दैट इज दी क्वेश्चन, ये कुछ लोग बोल रहे हैं. अच्छा, ममता कालिया 2017 को कौन से बुक के लिए आपका एग्जाम बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड यहाँ पे मिला था? ये कह रहे हैं वसुंधरा राजे को ये क्वेश्चन आया था. चलो, वेरी गुड. ई गवर्नेंस हमेशा याद रखिए, ई लग गया मतलब हर चीज़ का आपका एक बेटर चीज़ हो गया, इट हैज़ इंक्रीज्ड, सो इट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक सामने आपका लग गया है ना. ओके, अब यहाँ पे बात किया जा रहा है अबाउट सुखम. सो ममता कलिया को जो अवार्ड मिला था, दैट इज़ सुखम दुखम, सुख दुख, कभी खुशी कभी गम जैसा सुख दुख, इस आपका बुक के लिए ममता कलिया को 2017 में आपका एक अवार्ड मिला था. ठीक है, तो नोवेल से वो वाला ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन था, ये कह रहे हैं सब लोग. अच्छा, नेक्स्ट इज ओलंपिक्स 2000. इस लैपटॉप का पावर प्लीज़ ऑन कर दीजिए, कमेंट अभी हमको नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्लीज़ इसका पावर बटन ऑन कर दीजिए, तभी ये लैपटॉप दोबारा से ऑन हो पाएगा, कमेंट हमें दोबारा से देखने लगेंगे. अभी अबाउट दी, नहीं, यहाँ से पावर बटन को ऑन करना पड़ेगा. ओके,
चलो तो नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज अबाउट ओलंपिक्स वेन्यू 2016. क्या क्या पूछा गया है ओलंपिक वेन्यू 2016 के बारे में. 17, 18, 19, 20 कहाँ पे होगा? 20 होगा आपका टोक्यो में. 16 बताइए, 16 के बारे में पूछा गया है. इजी राइट. पद्मश्री अवार्ड रिसेंटली किसको मिला? कौन से पैरा ओलंपियन को पद्मश्री अवार्ड मिला? पैरा ओलंपिक उन लोगों के लिए होता है दैट इज बेसिकली जो आपके पैरा ओलंपिक्स होते हैं उसमें किसको आपका अवार्ड मिला है, दैट इज योर पद्मश्री अवार्ड. ये एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो आंसर क्या हो जाएगा? मुरली कांत को मिला है. रेलवे जोन्स जो आपके 17 रेलवे जोन्स, अभी कितने रेलवे जोन्स हैं इंडिया में, ये सबको खुद से करना है. रेल ये ब्राज़ील में हुआ था. कितने रेलवे जोन्स अभी है इंडिया में ये पूछा गया है. आंसर क्या होगा? 17 होगा कि कुछ और होगा? सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने रेलवे जोन्स है. कर्नाटका ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि क्या हुआ था. दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस लिए मिलता है? तो दादा साहेब फाल्के मिलता है आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए. दादा साहेब फाल्के अवार्ड आपको मिलता है फिल्म इंडस्ट्री के लिए. तो ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया था. गैस रिलीज्ड अगर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हो तो कौन सा गैस रिलीज़ होता है? क्लोरीन गैस रिलीज़ होता है अगर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हो. वाटर साफ़ करने में क्या यूज़ होता है? शिफ्ट वन का क्वेश्चन था, तभी भी आंसर क्या था? क्लोरीन वॉज द करेक्ट आंसर. ये ऑन तो नहीं हो रहा है बट हम आपके कमेंट्स को ज़रूर देखेंगे. चलिए अब हमें आपके कमेंट्स दोबारा से देखने लग जाएगा. ओके तो अभी कुछ लोग चले गए हैं, 200 लोग लगभग इतने समय में चले गए, कमेंट्स हमको नहीं दिख रहा था. तो लाइव कमेंट्स अभी यहाँ पे आना बंद क्यों हो गया है? आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, पर अभी लाइव कमेंट्स हमको नहीं दिख रहे हैं. क्या इस वीडियो को इसमें इंटरनेट का यहाँ पे दिक्कत है क्या कि सब सही चल रहा है? अच्छा तो ब्राउजिंग प्रॉब्लम हो रखा होगा अभी कुछ. ओके एनीवेज पता नहीं अभी आपका ये ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है क्या वीडियो और इज इट स्टिल वर्किंग. इफ़ इट इज़ स्टिल वर्किंग एंड इफ़ यू कैन हियर मी एंड सी व्हाट इज़ हैपनिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आरबीसी के ऊपर पूछा गया था, रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पूछा गया था. तो अगेन ब्लड टॉपिक वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट में भी पूछा गया एंड सेकेंड में भी आपका यहाँ पे पूछा गया था अबाउट आरबीसी. ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया. तो ब्लड में जो है, ब्लड को हमने आपको डिवीजन बताया था कि आप इसके अंदर ब्लड प्लाज्मा या तो होगा दैट इज़ द वाटरी पार्ट एंड द रेस्ट इज द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और द प्लेटिलेट्स दैट इज ब्लड कॉर्प्यूजल्स. ठीक है, अब इसमें से जो आरबीसी है, ब्लड डोनेट करने क्यों बोलते हैं? क्योंकि आरबीसी वैसे भी 120 दिन के बाद वो मर जाता है, तो क्या फ़ायदा है ना. तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ आरबीसी. बाकी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन सर्कुलेशन सबका वो काम करेगा. न्यूक्लियस इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए स्मॉलेस्ट सेल विदाउट न्यूक्लियस में आपका आरबीसी का नाम आ जाएगा. ठीक है, और लाइफ स्पेन कितना हो गया? 120 दिन का यहाँ पे लाइफ स्पेन हो गया. अब थैंक यू सो मच. अब हमको दोबारा से आपके कमेंट्स दिख रहा है. प्लैनेट्स के ऊपर कुछ लोग बोल रहे हैं. चलिए जो लोग चले गए वो लोग तो चले गए, बाकी जो लोग यहाँ पे हैं उनके साथ हम लोग अभी फ़िलहाल तो चार्ज है, फिलहाल तो ठीक है. ओके सो अभी हम आपके कमेंट्स दोबारा देख पा रहे हैं. जो चले गए यार या तो वापस आ जाओ बिकॉज इन दी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू मोर थिंग. फोकल लेंथ बेस्ड क्वेश्चन, आपके सभी डाउट्स में हम अभी आएंगे, पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, है ना. अच्छा टीवी के बारे में, टीवी के रिमोट के बारे में एक आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीवी के रिमोट के केस में रेज आप क्या यूज़ करोगे, उससे रिलेटेड बेसिकली एक क्वेश्चन आया है. तो वहाँ पे हम इंफ्रारेड का यूज़ करेंगे.
कैंसर का कोई इलाज है क्या? तो कैंसर का कोई इलाज तो नहीं है, बट क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आपके 83 से ऊपर के होते हैं वो बहुत ही अनस्टेबल होते हैं, ज़्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो दे वॉन्ट टू लूज सम ऑफ इट, पैसा ज़्यादा है तो खर्च करता है ना, तो ये भी कुछ रेडिएशन में क्या करेगा, रेडिएशन करेगा, उसमें से अल्फ़ा बीटा और गामा को रिलीज़ करेगा, छोड़ दिया तो दे फील स्टेबल, है ना, ज़्यादा खा लिया तो गैस, दे फील स्टेबल, सो दीज ऑल्सो दे ऑल्सो फील स्टेबल। तो इसमें कैंसर के इलाज के लिए इस प्रॉपर्टी का, रेडिएशन का यूज़ होता है, थेरेपी का नाम है केमोथेरेपी, यूज़ होता है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का यहाँ पे आपका यूज किया जाता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज अबाबा रामदेव इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच स्टेट, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया। तो फिर रिसेंटली हम गए थे कसौल द कैथल इन हरियाणा हम गए थे, तो द आंसर इज योर हरियाणा, ठीक है। अच्छा, इसके पीछे एक और रीजन हो सकता है, एक और ढाबा का नाम देखा था मैंने जिसके नाम पे वो ढाबा था, दैट पर्सन इज़ इनसाइड दी जेल। तो अगर धार्मिक ओरिएंटेशन है तो अभी उसको चेंज करने के लिए, बिकॉज वन पर्सन इज़ इनसाइड दी जेल, तो बाबा रामदेव का थोड़ा सा ओरिएंटेशन हो सकता है। फर्स्ट जीएसटी किसने इंप्लीमेंट किया था? भारत से बहुत लोग इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बट फर्स्ट किसने इंप्लीमेंट किया था? दी आंसर इज़ यहाँ पे फ्रांस ने सब इसको फर्स्ट टाइम इसको इंप्लीमेंट किया था, और यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी से आईफिल टावर को वो लोग 2400 घंटे चला के रखते हैं, ठीक है। और फ्यूज़ वायर बनता किससे है, ये क्वेश्चन था, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है कि कैसे इसको कनेक्ट करेंगे, तो सीरीज़ में इसको कनेक्ट करेंगे। तो इतने क्वेश्चंस के साथ आज के इस सेशन को हम वाइंड अप करने का कोशिश करेंगे। आई नो द पेस वॉज अ बिट फास्ट और यहाँ पे बातें कम हुआ, सिर्फ क्वेश्चंस हुआ, ऐसा हमने इसलिए किया ताकि आप इनको जल्द से जल्द रिवाइज कर सके और ये समझ सके कि बायो के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली ईजी थे देन आपके केम के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और फिजिक्स को रिवाइज करना पड़ेगा। क्यों रिवाइज करना पड़ेगा? बिकॉज ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस, बट शायद आप भूल गए होंगे कुछ क्वेश्चंस को, राइट। कमिंग टू करंट अफेयर्स, डैम वगैरह से, स्टैटिक से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए और बाकी क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए वो 6 months के, बेसिकली 3 months के करंट अफेयर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मई, यहाँ से ज़्यादा, फेब्रुअरी के बाद से, दे हैव आस्ट यू मोर क्वेश्चंस आफ्टर फेब्रुअरी पीरियड, राइट। सो दैट इज़ द थिंग दैट हैज़ हैपेंड। एंड अगेन करंट इशू में मिससेलिनियस वाले टॉपिक्स या तो ईजी पूछे हैं या तो लाइक मोस्ट ऑफ देम यू कैन डू इट विद अ क्विक रिविजन, तो वो आप कर सकते हो। अगेन प्रीवियस ईयर सभी सेशंस को जरूर देख के जाना, ट्राई टू रिवाइज देम बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैव कम डायरेक्टली फ्रॉम दैट कंसेप्ट, और टॉपिक्स भी वही है, अगर ईजी टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट तो क्वेश्चन थोड़ा सा एटलीस्ट मॉडरेट लेवल का तो होगा, राइट। इन केस ऑफ असम जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन और एनआरसी, ये कुछ लोगों ने कहा है, सो द थिंग इज एनआरसी अभी असम में, वेस्ट बंगाल इज सेइंग दैट दे ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्लीमेंट, एंड जीएसटी कौन से स्टेट ने सबसे पहले लागू किया था, तो दैट इज़ ऑल्सो असम ने सबसे पहले लागू किया था। अभिषेक सिंह, आई हैव टेकन योर नेम, ऐसा गॉडेस ऐसा कुछ नहीं है, एवरीबडी इज सेम, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बींग, क्वेश्चंस मिले तो इसलिए डिस्कस कर पा रहे। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने हमें मेल किया है क्वेश्चंस, बिकॉज एटलीस्ट मेल के क्वेश्चंस आर 100% ऑथेंटिक, वो बच्चों ने दिया होगा तभी उन्होंने भेजा होगा। बाकी मिसलिनियस क्वेश्चंस आई होप मोस्ट ऑफ देम आर ऑथेंटिक, बाकी आपने अगर पेपर दिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा व्हाट आर दी क्वेश्चंस, ताकि सभी लोगों को फ़ायदा है। एंड हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में से क्वेश्चंस आपने देख ही लिया है कि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अबाउट द अटॉर्नी जनरल इनडायरेक्टली दे हैव आस्क्ड यू वन क्वेश्चन अबाउट योर के वेणुगोपाल, अभी उनके पोजिशन के बारे में पूछा। एंड बैंकिंग के, उसको आपको सारे MDs का लिस्ट नहीं, क्योंकि नीरव मोदी के वैसे वो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था इसलिए वो क्वेश्चन आया। सो बी वेरी स्पेसिफिक व्हाट यू हैव टू स्टडी एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन रिवाइज, ठीक है। तो इसके साथ आप इसको कीजिए। रेलवे करंट अफेयर्स से एक पूछ लिया, डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमी वाले सेक्शन से दे आस्क्ड यू एक क्वेश्चन पूछ लिया, डैम से एक क्वेश्चन पूछ लिया, बुक से एक क्वेश्चन पूछ लिया, तो हर एक जगह से एक एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। सो दैट इज़ दी क्रक्स। सो बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी में से दे हैव नॉट आस्क्ड यू क्वेश्चन, साइंस से दे हैव आस्क्ड यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ओके, एंड अगेन फॉर बायो आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पे दे हैव गिवन मोर फोकस ऑन ब्लड, विटामिन, हार्मोन, कॉमन नॉर्मल थिंग, जो सबको वैसे एक आइडिया रहा होगा, सबको एक ओवरव्यू रहा होगा, इसके बारे में आपको वहाँ पूछा गया है, राइट।
ओके चलो सो आज के लिए बस इतने पे इस क्लास को वाइंड अप करते हैं. जाने से पहले प्लीज लाइक बटन को हिट करके जाना, दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी. एंड क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में जरूर जारी रखना. राइट, सो दैट्स इट. टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन. जितने लोग एग्जाम देने जा रहे हैं और जितने लोग आज देख के आए हैं, फर्स्ट डे था. आई होप कल पेपर और थोड़ा, आई डो नॉट होप सो बट मे बी कल पेपर थोड़ा और हार्ड आए, बट उस केस में आज के लोगों का भी पेपर बहुत अच्छा गया होगा. कट ऑफ के बारे में कुछ एक अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, बट आशीष मे बी 55 के आसपास आपका ये हो सकता है. दैट विल बी अ गुड अटेम्प्ट. राइट, ओके, चलो गाइस, बाय बाय.